ओके नेक्स्ट इज रिवर्सिबल और अपोजिंग रिएक्शन से इन कानी इन विच कन्वर्जन ऑफ रियक्टेंटिट एंडसटेजली देखिए रिवर्सल रिएक्शन में दोनों ही क्या हो जाएगा रिएक्टेंट प्रोडक्ट का कन्वर्जेंस एक साथ होता है सैमेटेजली होता है यहाँ पे देखिए ए का कन्वर्जन बी में और बी का कन्वर्जन ए में तो देखिए हमारा एक रिवर्सल रिएक्शन है जिसमें ए बी में कन्वर्ट हो रहा है और बी बैकवर्ड रिएक्शन में बी ए में कन्वर्ट हो रहा है फॉरवर्ड एक्शन के लिए रेट कॉन्सटेंट की वैल्यू हम लोगों ने के एफ ले रखा है इट इज के एफ इट इज़ द रेट कॉन्सेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन एंड के इज द रेट कॉन्सेंट फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन एट जीरो हम लोग मान लेते हैं इसका कॉन्सन्ट्रेशन ए और इसका कॉन्सोट्रेशन बी में लेते हैं आफ्टे टाइम टी मान लीजिए एक्स इतना डिसोशिएट किया पार्ट तो ए माइनस एक्स और क्योंकि इतना बनेगा तो ये हो जाएगा बी प्लस एक्स और एट एक्बियम अगर रिएक्शन एक्लेम कंडीशन पर आ चुकी है तो उसमें क्या हो जाएगा ये इक्लेबियम कॉन्सोट्रेशन यहाँ से बाहर आया डिसोशिएट हुआ तो ए माइनस एक्स एक्म एंड दिस इज क्या हो जाएगा बी प्लस एक्स एक्म ना रेट ऑफ ए आर ए क्या हो जाएगा के एफ इंटू ए बोलर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए और बोलर कॉन्सिट्यूशन ऑफ़ आफ्टर टाइम टी क्या आ रहा था हमारा ए माइनस एक्स इसकी जगह ए माइनस एक्स एटी रेट ऑफ़ बी क्या हो जाएगा आर बीजॉडी हो जाएगा के बी बोलर कॉन्स्टिट्यूशन बी और के बी इंटो बी की जगह पर लोडअप किया पी एक्स दिस इज द रेट ऑफन ऑफ बी ट रेट ऑफ जेक्शन यहाँ पर क्या होगा हमारा ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएट ऑफ बैकवर्ड एक्शन देखिएगा इसको खास बात इसको ध्यान रखिएगा इस पर क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के अंदर तो इस तरह के रिएक्शन में रिवर्स रिएक्शन में जो नेट रेट ऑफ होता है वो क्या हो जाएगा रेट ऑफ फॉरवर्ड माइनस रेट ऑफ बैकवर्ड रहाँ से हम लोग निकाल देते हैं क्या रेट ऑफ डिस्पियर के एफ ए माइनस एक्स मीनस इट इज ऑफ फॉरवर्ड माइनस रेट ऑफ बैकवर्ड एक्शन क्योंकि डिसअियर हो रहा है और बैकवर्डिक में ये बन रहा है तो पहला हमारे क्या था दिस इज रेट ऑफ डिस ऑफ ए एंड दिस इज रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए कह सकते हैं हम लोग बैकवर्डक्शन में ये बन रहा है तो ये हो जाएगा माइनस डी ए की जगह पर प्रोडक्ट करते हैं माइनस एक्स और दिस इज के एफ ए माइनस एक्स और दिस इज के वी इंटू बी प्लस एक्स अब ये हो जाएगा हमारे क्या दिस माइनस डी ए प्वाडिटी और क्या हो जाएगा दिस इज प्लस डी एक्स अपॉन अपांडिटी और डी ए अपॉन प्वाडिटी क्योंकि ए कॉन्सटेंट है तो डी ए अपॉन प्वाडिटी की वैल्यू जीरो तो यह हमारे प्लस डी एक्स अपिटी और दिस इज के एफ ए माइनस एक्स एंड माइनस के बी इंटू बी प्लस एक्स एड एक्बियम एक कंडीशन पर क्या जाएंगे दोनों की रेट बराबर होते हैं आपको पता है रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ़ बैकवर्ड रही हो जाएगा क्या दिस इज के एफ ए अब एक्बियम कंडीशन आ गई है तो हम लोग यहाँ पे आपको रखेंगे तो कॉन्सट्रेशन हमारा ये देख रहा है ए माइनस एक्स और दिस इज बी प्लस एक्स इक्बियम एफ के एफ वन के भी किया जाएगा जिसके एफ वन के भी क्या है इसके रेशियो को हम लोग एक नया कॉन्टेंट बोलते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्सटेंट ियम कॉन्सटेंट की वैल्यू आ रही है दिस इज के एफ ऑन के बी एंड ये क्या हो जाएगा दिस इज मोलर कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन मोलर कंसनट्रेशन ऑफ इक्लेबियम एट इक्म कंडीशन राइट के सी की वैल्यू आपको पता है ये क्या होता है मोलर कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपन बोलर कंसनट्रेशन रिएक्टेंट्स एट इक्म अब यहाँ से इनकी वैल्यूज को प्रोडक्ट कर देते हैं के एफ अपन के बी क्या हो जाएगा बी प्लस एक्स एक्बरियम एंड दिस इज ए माइनस एक्स इक्बरियम तो इस तरीके से ये वैल्यू हमारी आ रही है दिस इज के एफ ए माइनस इज इक्वल टू के बी इन बी प्लस एक्स इक्विलिब्रियम के एफ अपन के बी जाएगा ए माइनस इक्विलिब्रियम एंड दिस इज के बी को इधर लाते तो यह आ जाएगा क्या बी प्लस एक्स इक्विलिब्रियम और के एफ अपॉन के बी ए माइनस एक्स इक्विलिब्रियम दिस इज इसको भी इधर ले आते हैं तो यह जाएगा माइनस इक्विलिब्रियम दिस इज इक्वल टू बी तो यहाँ से हमें बी की वैल्यू मिल चुकी है अब इस बी की वैल्यू को हम लोग सब्सटूट कर देते हैं इक्वेशन वन के अंदर सो सब्सूटिंग द वैल्यू ऑफ बी फ्रॉम इक्वेशन थ्री इन इक्वेशन वन देखिए हमारा क्या था डी एक्स प्वाडिटी ये था हमारा क्वेश्चन वन अब इसमें हम लोग यहाँ पे बी की जगह पे प्रोडअप कर देते हैं क्या इस वैल्यू को यह आ जाएगा डी एक्स पॉन्डिटी के एफ ए माइनस एक्स माइनस के बी और यहाँ पे हम लोग क्या किया बी की जगह पर प्रोडअप करते हैं बी एफ की जगह पे बी की जगह पर प्रोडअप कर देते हैं ये पूरी वैल्यू को तो ये वैल्यू हो जाएगी के एफ अप के बी इन टू ए माइनस एक्स एंड माइनस एक्स एंड प्लस एक्स ये आ गया हमारा दिस इज के एफ ए माइनस एक्स एंड दिस इसको देखिए आप इसको ओपन कीजिए और मल्टीप्लाई कीजिए थ्रू आउट तो याद आएगा हमारा क्या इस देखिए इसमें जब हम लोग ने मल्टीप्लाई किया तो के बी के बी कैंसल आउट ये आ रहा है के एफ एक्स ए माइनस एक्स एक्लूबियम और प्लस ये क्या जाएगा के बी इंटू दिस वन के बी एक्स एक्बियम एंड दिस वन के बी इससे मल्टीप्लाई किया तो यह आया माइनस के बी इंटू एक्स अब देखिए यहाँ पे इन दोनों में के एफ़ कॉमन है तो कॉमन ले लीजिए के एफ तो यह आ ए माइनस एक्स एंड दिस इज माइनस ए माइनस एक्स और इसमें के भी कॉमन है तो के भी कॉमन ले लेते हैं के बी एक्स इक्बिया माइनस एक्स तो यहाँ से देखिए क्या हो रहा है ए कैंसिल आउट हो रहा है बचा क्या दिस इज के एफ एक्स एक्बियम माइनस एक्स एंड दिस इज प्लस के बी दिस इज एक्स एक्स एक्बिया माइनस एक्स तो हमारा डी एक्स अपॉन्ट डी डी की वैल्यू क्या आ गई दिस इज एक्स एक्बिया माइनस एक्स और इन टू के एफ प्लस के बी यहाँ पर के एफ प्लस के बी को कॉमन ले लेते हैं तो ये क्वेश्चन आ गया हमारा अब हम लोग इसको इंटीग्रेट कर देते हैं इंटीग्रेट करते हैं फ्रॉम जीरो टू एक्स इसको डी एक्स अपॉन्ट इन पूरे वैल्यू को इधर लाते हैं और डी डी को उदल ले आते हैं तो यह जाएगा क्या डी एक्स अपॉन एक्स एक्ब्रियम माइनस एक्स और यह हो जाएगा के एफ प्लस के भी ये कॉन्सटेंट है बाहर रखिए और डी डी को इंटीग्रेट किया जीरो टू टी अब देखिए इसका एक आपने इंटीग्रेशन किया डी एक्स अपन एक्स एक्टर माइनस एक्स का तो यह लॉग एक्स अपॉन एक्स माइनस एक्स और ये हो जाएगा के एफ प्लस तो के और इसका डी टी क्या हो जाएगा टी तो यहाँ से हम लोग के एफ़ प्लस के निकाल लेते हैं तो वन अपॉइंट टी हो जाएगा टी इधर आएगा वन पॉइंट टी लॉग एक्स एक्म अपॉन माइनस एक्स यानी के एस प्लस के बी के वैल्यू क्या आ गई अगर इसको बेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया तो टू पॉइंट थ्री जीरो फाइव हो गया तो इट इज टू पॉइंट थ्री ये इक्वेशन को देखा आपको क्या लग रहा है ये एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देख रहा है आपको उसमें भी आपने देखा था के की वैल्यू क्या आ रही थी टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री टी लॉग एक्स एक्टिवियम यानी कि इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन अपन फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ए अपॉन ए माइनस एक्स आ रहा था सेम उसी तरीके से देखिए ये भी ये दिख रहा है हमें फर्स्ट ऑर्डर कैंटिक्स फॉलो कर रहा है इसका मतलब क्या है क्लियम रिएक्शन एक्शन फर्स्ट ऑर्डर कैंटिक्स ये प्रूफ हो रहा है हमारा तो जितने क्लोम रि होंगे उसमें आपको इस तरह के कैंटिक्स को फॉलो करना है इसको ध्यान दीजिएगा अब हम लोग यहाँ पर एक और एक्सप्रेशन यहाँ से निकाल सकते हैं देखिए देखिए ये ग्राफ हमें शो कर रहा है हमें कॉन्सेंट्रेशन और टाइम के बीच में ए का कॉन्सन्ट्रेशन क्या हो रहा है घट रहा है और बी का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है ये है के एफ़ और के वी इसके लिए लेकिन एक स्टेज क्लीम कंडीशन पे क्या हो जाएगा कि दोनों के कॉन्ट्रेशन में कॉन्सेंट्रेशन में कॉन्सटेंसी दिख रही है हमें तो ये इक्लेमिंग कंडीशन शो करता है अब फ्रॉम इक्वेशन टू देखिए हमारा इक्वेशन टू का रिलेशन था Kb, minus minus तो के एफ अपॉन के बी बी प्लस एक्स इक्विलिब्रियम माइनस ए माइनस अपॉन ए माइनस एक्स इक्विलिब्रियम तो यहाँ से के बी की वैल्यू निकाल लेते हैं तो याद आएगा के बी सॉरी के एफ़ ए माइनस एक्स इक्विलिब्रियम और प्लस अपॉन बी प्लस एक्स इक्विलिब्रियम तो के एफ़ प्लस के बी की वैल्यू आ गई हमारी क्या अब हम क्या करते हैं इस क्वेश्चन के अंदर दोनों साइड के एफ मल्टी प्लस कर देते हैं ऐड कर देते हैं इस साइड भी हमने के एफ को ऐड किया और इस साइड भी हमने लोग के एफ को ऐड किया तो के एफ प्लस के बी एंड इज के एफ प्लस के एफ़ ये पूरा हो गया पार्ट यहाँ पर हमने नोट किया यहाँ से हम लोग के एफ कॉमन है बाहर निकाल देते हैं तो के एफ इज़ वन प्लस ए माइनस एक्स एक्लूबियम अपॉन बी प्लस एक्सक्लूबियम के एफ़ इसको हम लोग क्या करते हैं नीचे एलसीयम पुटअप करते हैं बी प्लस एक्स एक्लूबियम और यहाँ पर हमने क्या किया, किया इसको मल्टीप्लाई किया पी तो प्लस एक्सक्लूबियम एंड एक दिस एक इज ए प्लस ए माइनस एक्सक्लूबियम एक्स एक्लूबियम एक्सक्लियम कैंसिल आउट तो के एफ प्लस के भी के बाद क्या क्या है एफ ए प्लस बी अपन बी प्लस एक्स इक्विबियम अब इक्वेशन फोर और फाइव को इक्वेट कीजिए देखिए क्वेश्चन फोर इक्वेट करने पर हमें क्या दिख रहा है के एफ प्लस के बी की वैल्यू इसके बराबर आ रही है उसमें के एफ प्लस के बी की वैल्यू इसके बराबर दिख रही थी तो दोनों ये हो जाएगा यानी कि के एफ ए प्लस बी अपन बी प्लस एक्स इक्बियम दिस इज इक्वल टू टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री अपॉन टेन एक्स अपॉन एक्स माइनस एक्स तो यहाँ से हम लोग के एफ की वैल्यू को निकाल सकते हैं ये पूरा पार्ट इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा के एफ टू पॉइंट थ्री जीरो टी एंड दिस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको b plus x बी upon a plus b and this is log x लॉग upon x एक्सक्म minus x और इसका डिग्री ऑफ डिसन हम लोग निकाल सकते हैं क्या दिस इज डिग्री ऑफिस क्या होता है x अपॉन यानी कि मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन इनिशियल मोल्स तो मोल्स डिसोशियेटेड कितना हुआ था एक्सक्लिबियम कंडीशन पर ग्यारह था और ये आ रहा था ये एट टाइम टी पे आ रहा था और ये इक्विडियम कंडीशन पे आ रहा था दिस इज डिग्री ऑफ डिसोशिएशन अब देखिए जो पाँच चीज़ें जिसपे इस पर क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं उसको देखिए तो देखिए टाइप्स ऑफ रिवर्स रिएक्शन क्या हो सकता है पहला टाइप हमें दिख रहा है क्या फर्स्ट ऑर्डर अपोज बाई फर्स्ट ऑर्डर यानी कि जब अभी हम लोगों ने अभी देखा केस वो यही केस हमें दिख रहा था फर्स्ट ऑर्डर अपोज बाई फर्स्ट ऑर्डर मतलब यहाँ पे फॉरवर्ड रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है बैकवर्ड रिएक्शन भी रर्स्ट ऑर्डर तो फर्स्ट है उस केस में हमें जो एक्सप्रेशन दिखा था वो ये आ रहा था के एफ प्लस के बी दिस इज इक्वल टू टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री अपॉइंट थ्री लॉक एक्सॉइन एक्स माइनस एक्स अगर आपके पास ऐसा रिएक्शन है कोई फर्स्ट ऑर्डर अपोज बाई जीरो ऑर्डर यानी फॉरवर्ड रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर हो और बैकवर्ड रिएक्शन जीरो ऑर्डर हो तो उस केस में क्या हो जाएगा हमें जो बैकवर्ड रिएक्शन है उसके रेट कॉन्स्टेंट की वैल्यू को जीरो ले लेनी है और फिर इसमें हम लोग इसका एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं सो दिस बिकम्स एंड थर्ड वन देखें जीरो ऑर्डर अपोज पोस्ट बाई फर्स्ट ऑर्डर सी इयर इन दिस दिस केस फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ जीरो ऑर्डर द बैकवर्ड रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर तो फॉरवर्ड में हम लोग so 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 लो क्या करेंगे के एफ की वैल्यू को जीरो ले, ले लेंगे यहाँ पे के एफ के वैल्यू जीरो लिया तो हमारा एक्सप्रेशन आ क्या। is is X -x. गया क्या दिस इज के बी इज वैलो टू पॉइंट थ्री थ्री अपॉइंटी लॉ एक्सिबियम एक्सक्लियम देखिए इस पर कैसे क्वेश्चन बनेंगे देखिए एक क्वेश्चन दिस इज ए निक्विबियम विद बी फॉरवर्ड रिएक्शन में देखिए रेट कॉन्स्ट्रंट की वैल्यू के वन दी हुई है एक्स पर सेकेंड एंड द बैकवर्ड रिएक्शन द रेट कॉन्टेंट वैल्यू इज वाई मोल्स पर लीटर पर सेकेंड तो देखिए यहाँ पे आपको इस यूनिट को देख के आपको यहाँ पे एनालाइज करना पड़ेगा कि ये देखिए ये एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और ये हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन दिख रहा है यानी हमारा केस कौन सा दिख रहा है ये वाला फर्स्ट ऑर्डर अपोज बाई जीरो ऑर्डर अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है इफ एट एक्म कॉन्सोट्रेस ऑफ ए एंड बी आर पॉइंट फाइव मोलर एंड टू मोलर रेस्पेक्टिवली के रिस्पेक्टिवलीक्म इज़ यानी रेट कंडीशन क्या आ जाएगी टू फोर वन है तो पहले हम लोग इसका एक्सप्रेशन लिख लेते हैं के क्या हो जाएगा मोलर कंसलट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ये है अपन मोलर कन्सलट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और इसके पावर्स को मान लेते हैं हम लोग बी अपॉन ए मान लेते हैं तो ये हो जाएगा बी क्या है ऑर्डर ऑर्डर ऑफ ऑफ रिएक्शन रिएक्शन विद विद रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट टू टू दिस वन इज मतलब A, order of reaction with respect to A. अब ये हमारा क्या था ये जीरो ऑर्डर था तो जीरो ऑर्डर मतलब यहाँ पे बी की जगह जीरो पुटअप किया और ये फर्स्ट ऑर्डर इसकी जगह पर वन पुअप किया तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी वन तो, देगा देगा तो ये वन पुटअप किया एंड इसके आप कॉन्सिटेशन में कितना दिया हुआ पॉइंट फाइव ये पॉइंट फाइव पुटअप किया और ये आ गया हमारा टू तो देखिए अगर आपको ऑर्डर ऑफ फैक्शन नहीं पता होते तो उसमें आप गलती क्या करते हैं आप सीधे यहाँ पे क्या लेते हैं इसकी जगह पे क्या लेते हैं आप एक ही जगह पे आप ए एंड बी आर पॉइंट फाइव ए एंड बी हाँ ठीक है उसकी जगह बी की जगह पे आप यहाँ पर टू अप करते हो और फिर आपका आंसर गलत आता तो इस तरीके से आप जो है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये है हमारा रिवर्सल और अपोजिंग रिएक्शंस तो ये दो रिएक्शंस आप लोग पढ़िए एडवांस लेवल के लिए फिर हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे अगले वीडियो में थैंक यू वेरी मच